कर दूंगा मैं 2 मिनट में, ठीक है। मैं बोलना क्या चाह रहा था, देखो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, क्या पता है, जैसे वो दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है के? मैं बोल दूं कि तुम बोल रहे? अच्छा मैं बोल दूं, चलो ठीक है। वहां सब्जेक्ट लिखा हुआ है और नाम लिखे हुए हैं, केमिस्ट 11वीं और 12वीं ऐसा लिखा रहेगा ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो इंग्लिश, और इधर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो इंग्लिश, वहां लिख रखा रमेश डुडवे रमेश डुडवे रमेश डुडवे रमेश डुडवे और राजेंद्र डावर। अब इधर आ जाओ, ठीक है, आगे वापस सब लोग, मैं इसी के बारे में बोल रहा हूं। तो ये क्या लिखा, रमेश डुडवे, सभी सब्जेक्टों के आगे रमेश डुडवे लिखा हुआ है, ठीक है, एक लिखा हुआ है राजेंद्र डावर। मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, अपने पास फैकल्टी है लेकिन फिर भी नाम लिखा हुआ है रमेश डुडवे, कारण हम जो फैकल्टी लाते हैं पढ़ाने के लिए लाते हैं तो नाम किसका है, हमारा है, है? अगर फैकल्टी में किसी के प्रति शिकायत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी या तुम्हारे परिवार वालों की जिम्मेदारी बोलने की किसको, जिसका नाम लिखा उसको, ठीक है, जिसका नाम लिखा उसको। दूसरी बात, जिनको हम लाते हैं तो हम भी इस बात का ध्यान रखते हुए लाते होंगे, ऐसे तो किसी को भी सड़क छाप को उठा के नहीं ले आते होंगे, नहीं लाते ना, कुछ कमियां पेशियां रहती है तो उस कमियां पेशियों को दूर करने की कोशिश करते हैं हम। अब उसमें स्टाफ, एक तो स्टाफ भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो ये सोच सकता है कि हाँ यार मुझ में कुछ कमी होगी तो उसमें सुधार करेगा, अगर स्टाफ ये भी सोच ले यार मेरे को बोला मेरे में क्या कमी, तो फिर हमको भी विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तुम आते हो यहाँ पे तो एक ट्रेंड के माध्यम से, एक शब्द के माध्यम से, एक पहचान के माध्यम से आते कि हमारी बहन जाती थी या हमारा काका जाता था या हमारी बुआ जाती थी, इसलिए आते ना, इसीलिए आते नहीं, ठीक है जो भी तुमको हो। पर एक प्रक्रिया जो होती है, इस यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे ऐसे टेस्ट होते हैं, ये सारी बातें बच्चा जब आता है उससे पहले उसको मालूम रहता है, उसके बाद ही आता है, नहीं तो फिर वो मालूम करता है उसके बाद आता है, नहीं तो निकल लेता है चुपके से, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो जैसा तुमने सुना होगा, जैसा तुमने देखा होगा वो वैसा ही है, लेकिन बीच बीच में मेरे को ये चीज करना पड़ती है, मजबूरी है जो तुमको दिखाई देती है, दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती, नहीं दिखती। अब मेरी क्लास चल रही 12वीं में, मेरी क्लास चल रही 12वीं में, मैं 12वीं की क्लास खत्म करके आऊं 11वीं में, थोड़ी देर में तुम सर टाइम हो गया, शुरू कर देते ना, कर देते या नहीं कर देते, कर देते। उस समय कौन सा टॉपिक कौन पढ़ा सकता है, कौन क्या कर सकता है, उसके लिए मेरे को भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा? मैं इसलिए नहीं भेजता हूं कि मैं तुमको बेवकूफ बना दूं, इसलिए नहीं भेजता हूं, मैं इसलिए भेजता हूं कि तुम्हारे साथ बेहतर हो सके। तो पहली बात, तो जो भी व्यक्ति आता है या आती है, तुमको मानना पड़ेगा कि ठीक है कि हमको अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आप बोल सकते, वैसे मैं पढ़ाता ही हूं उसको बाद में,
पढ़ाता ही हूँ, पर जब रिवीजन होता है तो ये सारा कोर्स मैं ही रिवीजन करवाऊंगा। अगर ये चीजें सेटलमेंट हो जाती है तो मैं तुमको नीट क्वालिफाई करवा सकता हूँ और जेई मेन क्वालिफाई करवा सकता हूँ, जेई एडवांस क्वालिफाई करवा सकता हूँ। लेकिन कब? जब हमारे साथियों को एक्सेप्ट करोगे तब। और साथियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अरे आज के ये सर पढ़ाएंगे अपने को, अच्छा ये मैडम पढ़ाएंगे, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मेरे पास कितनी क्लासें हैं तुमको कई बार गिन के बताई होगी, बताई ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो, चार सब्जेक्ट 12वीं, चार सब्जेक्ट 11वीं, कितने हो जाएंगे 8, 8 क्लासें हो जाएगी सुबह सुबह। फिर बाद में बारी वाले बोलते कि हम तो एक बार और मैथ्स के लिए आएंगे, आओ क्या कर रहा ठीक है आओ आओ उनको बुला लेते। फिर बाद में 10वीं की विज्ञान और 10वीं की मैथ्स, इतनी देर में हमारी सिट्टी पिट्टी गुल सब। उसके बाद समय कहां से लाऊंगा मैं? अगर समय मिले तो मैं तुमको दिन भर बिठा के पढ़ाया करूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सिट्टी पिट्टी गुल, ऐसा नहीं है। हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बिना खाए पिए, पानी तक नहीं पिए, उसके बावजूद भी हम पढ़ा सकते हैं, ये तजुर्बा कहता हमारा। हमको लोग ऐसे ही नहीं जानते हैं, है ना। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ खड़े खड़े बिना पानी पिए, बिना हिले डुले, यहां तक इधर उधर भी ना जाएं, तब भी हम पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ा चुके हैं हम।